अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी कपास का एक बहुत ख़तरनाक कीड़ा है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सफ़ेद मक्खी क्या है, सफ़ेद मक्खी किस तरह फील्ड के अंदर नुकसान पहुँचाती है, सफ़ेद मक्खी की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां फील्ड में आती हैं, सफ़ेद मक्खी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सफ़ेद मक्खी का ETL लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल किसान टॉक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि हम फसलों के मुतल्लिक जितनी भी वीडियो बनाते हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी एक रस चूसने वाला कीड़ा है। ये फील्ड के अंदर दो तरह से नुकसान पहुँचा रहा होता है। इसकी दो स्टेज होती है, एक निम्फ जिसे हम कहते हैं बच्चे, और दूसरा इसके बालक होते हैं ये फील्ड के अंदर नुकसान पहुँचाते हैं। जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं बालक की निस्बत, क्योंकि जो बालक होते हैं ये इनका काम होता है अंडे देना, और ये कम नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि ये फ्लाई करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी इस लीफ पे कभी उस लीफ पे। जो बच्चे होते हैं ये एक लीफ के नीचे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनकी बॉडी से एक रतूबत नुमा मीठा मादा खारिज होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर आके फंगस बाद में अटैक करती है, जिसकी वजह से काटन का कलर होता है वो ब्लैक हो रहा होता है। इस फंगस को हम सूटी मोल्ड कहते हैं। सूटी मोल्ड फंगस की वजह से काटन जो होती है कपास का सारा फील्ड का काला नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से पौधे का खुराक बनाने का अमल जो होता है वो मुतासर हो रहा होता है, क्योंकि जो खुराक होती है पौधे की वो एक पत्तों के अंदर ही तैयार होती है। जब इसके ऊपर ये फंगस का अटैक हो जाता है तो इसकी वजह से पौधों के अंदर खुराक बनाने का अमल जो होता है कम्प्लीटली मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा खुराक नहीं बना पाता, पौधे फूल गिरने शुरू हो जाते हैं, पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी जो है इसका जो बालग होते हैं उनकी वजह से एक वायरस फैलती है जिसे काटन लीफ क्रोल वायरस कहते हैं, जिसकी वजह से काटन के पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और इसकी मेन जो निशानी होती है इसके बड़े पत्ते मेन के नीचे एक छोटे छोटे पत्ते न्यू लीफ बन जाते हैं। आपने फील्ड का अच्छे तरीके से मैना करना है। आप हफ्ते में कम से कम दो दफ़ा अपने फील्ड का मैना करें, क्योंकि इसका जो ETL लेवल होता है सफ़ेद मक्खी का, यानी कि इकोनॉमिकल थ्रेशहोल्ड लेवल, अगर इससे ज़्यादा इसका होता है पाँच नीफ या इसके जो होते हैं बालिंग होंगे, अगर तो इससे ज़्यादा हो गया तो आप स्प्रे की तरफ जाएंगे। अगर अब हम स्प्रे की बात करें तो इसमें जो होता है इसके सबसे पहले आप पेरीप्रॉक्सीफिन करें, जो कि 400 से 500 ml जो होती है पर एकड़ में यूज़ होती है। अगर तो आपके फील्ड का काटन का साइज़ छोटा है तो आप इसको 400 ml यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ काटन का बड़ा हो गया, जिस तरह हमारे पीछे है जो काफ़ी बड़ी बड़ी काटन है, इसके ऊपर 500 ml आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इसके अलावा बेप्रोफीजन जो है वो आप 600 से लेकर 700 ग्राम, ये भी अगर इस फील्ड के साइज़ पे डिपेंड करती है। इस तरीके से एक स्पैरो टेट्रामेट है 125 ml, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये एंडो और बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर हम इनके बालक सफ़ेद मक्खी की बात करें तो इसमें आ जाता है कि पोलो वाला जहर जिसे डायाफेंथोरान कहते हैं 200 ml जो होता है यूज़ होता है। इसी तरीके से फ्लोनिकामिड, जो कि सबसे मशहूर जो होता है ICIC कंपनी वाला उलैला वाला जहर, 80 ग्राम पर एकड़ आप यूज़ कर सकते हैं। कि अगर कपास बहुत ज़्यादा फील्ड में अंदर मसला है सफ़ेद मक्खी का, यानी कि कपास काली हो रही है, तो आप पेरीप्रॉक्सीफिन प्लस आप इसके साथ फ्लोनिकामिड और आप इसके साथ सल्फ़र यूज़ करें। सल्फ़र जो है वो तकरीबन 600 से लेकर 700 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है एक दफ़ा कंप्लीट सफ़ाया हो जाएगा सफ़ेद मक्खी का भी, और इसके फंगस भी ख़त्म हो जाएगी। याद रहे, कोई भी जो आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप इसको दो से ज़्यादा दफ़ा फील्ड में यूज़ ना करें। सफ़ेद मक्खी के लिए हमें फील्ड में जो होती है स्प्रे एक हफ़्ते बाद रिपीट करनी पड़ती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।